आज देखिए हाईवे ये जो है खलीलाबाद की तरफ, यानी कि जो आपका ये गोरखपुर होते हुए बिहार जाएगी, ये हाईवे NH 28 पे है। आज भी जो है लोग पंजाब से और दूसरे प्रदेश से आज भी लोग आ रहे हैं, जिसमें से देखने को मिल रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि देखिए ये गाड़ी है, ये इस तरीके से हाथ से बनी हुई गाड़ी है और इस पे 5 लोग सवार हैं और ये जो है पंजाब से आ रहे हैं, इनको जो है जाना है बिहार। अब इनसे मिलते हैं, पूछते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? पंजाब से आ रहे हो, कहाँ जाना है? सहरसा जाना है। तो तुम लोग पहले क्यों नहीं आए? गाड़ी घोड़ा बंद कर दिया, इसलिए नहीं आ पाए कि जहाँ पे काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई है क्या? अच्छा, तो ये बताओ रास्ते में आ रहे तो कहीं खाने पीने की कोई व्यवस्था हुई? अपने खाते हुए आ रहे हो? हैं, अच्छा, कितना दिन पहले चले हो? 5 रोज हो गया। 5 रोज से आ रहे हो लगातार, हो बिहार तक जाओगे? अच्छा, और आपका क्या नाम है? वहाँ से ये बताओ, वहाँ से जो आज चले फैक्ट्री में काम करते थे, एक ही जगह काम करते थे, तो फैक्ट्री खुली है कि बंद है? बंद हो गई है। मालिक क्या कहा? मालिक बोला कि जो मालिक हम दे आवे नहीं, कहा आवे नहीं रहे तो हमारे के 2-3 महीना तक बच्चे खुली में इतना कमाए रहे सब खा गई। अच्छा, तो घर जा रहे हो तो मालिक फिर बुलाया है? नहीं बुलाया। चलिए, अच्छा, तो देखिए साथियों, आज भी जो है बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं, कह रहे हैं फैक्ट्री बंद हो गई है और ये लोग जब तक रुके थे तब तक अपने पैसे से खाए पिए और अब ये लोग अपने घर को जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सिलसिला जारी है। लोग आज भी दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मालिक इनको कहता है आप घर जाइए और हमें जब फैक्ट्री खुलेगी तब पुनः बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से ये सिलसिला जारी है। आज भी लोग अपने घर को जा रहे हैं और रास्ते में कोई भी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, अपने ही खर्चे से खा पी करके ये लोग आ रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। मैं शिवाजी पासवान।